सट कानून से बदनाम जापान देश इतना भी बुरा नहीं है दोस्तों। बच्चे बिना नियम के जानवर के समान है और वही बात साबित करती है कि जितना अच्छा नियम उतनी ही अच्छी तरकीब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के स्कूल के नियम के बारे में जिन्हें लोगों ने खतरनाक नाम देकर बदनाम किया हुआ है। आज आप देखेंगे इन नियमों और इनके फायदे भी। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। एब्सेंट दोस्तों जापान देश में भारत के स्कूल के जैसे एब्सेंट रहने जैसा रूल नहीं है। यहाँ पे अगर कोई छात्र महीने में 5 दिन से ज़्यादा देरी से आता है तो फिर उसे कोई एप्लीकेशन या फिर पैसे के तौर पर कोई फाइन नहीं लिया जाता बल्कि उस बच्चे को पूरे महीने स्कूल की सफाई करने की सख्त सजा दी जाती है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चा बिना वजह स्कूल की छुट्टी ना करे। रिमूविंग शूज आउटसाइड क्लासरूम। दोस्तों भारत देश में स्कूल को मंदिर कहा जाता है लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे शूज पहन के जाते हैं। लेकिन जापान की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। जापान देश में बच्चे जो जूते घर से पहन के स्कूल में जाते हैं उन्हें स्कूल के बाहर ही उतरवा दिया जाता है। उनके बाद उन्हें स्कूल के अंदर जाने के लिए दूसरे जूते दिए जाते हैं। उससे होता यह है कि स्कूल में बाहर की गंदगी नहीं आती और साफ सफाई अच्छी तरह रहती है। और वही हमारे भारत की स्कूल में ऐसी कोई भी प्रक्रिया मौजूद नहीं है। मोबाइल यूज़। दोस्तों जापान के स्कूल में बच्चों के मोबाइल यूज़ पर सतत मनाई है। यहाँ तक कि स्कूल की पार्किंग एरिया में भी कोई भी स्टूडेंट मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ऐसा करते हुए कोई भी बच्चा पकड़ा जाता है तो उसके मोबाइल को जब्त करके कभी वापस नहीं दिया जाता। टीचर एब्सेंट। जापान के स्कूल में अगर किसी भी सब्जेक्ट का कोई टीचर एब्सेंट होता है तो उसकी जगह पर कोई और टीचर नहीं आ सकता। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। बाकी स्कूल की तरह वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह कोई और टीचर आके पढ़ाई करा दे। उस खाली लेक्चर में जापानी बच्चे खुद से डिसिप्लिन में रहकर उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। ग्रोविंग सीड। दोस्तों सच बताऊं तो इस मामले में जापान से आगे कोई भी देश नहीं है। जापान के स्कूल में अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने के साथ साथ अच्छी चीज भी सिखाता है। यहाँ पे बच्चे सब्जी और फलों को खुद से उगाते हैं और उसी से पढ़ते हैं और फिर वही उन्हें खाने के लिए भी दिया जाता है। दोस्तों ये बात तो आप भी जानते होंगे कि अपने हाथों से किया हुआ काम ज़्यादा समझ में आता है और जापान भी बच्चों से सब्जी और फल उगवाता है ताकि आने वाले समय में वो उन्हें बर्बाद ना करे और उनकी अहमियत को समझे। रिलेशनशिप रूल। दोस्तों आज के समय में स्कूल में बच्चे पढ़ाई कम कर रहे हैं और लड़कियों के लिए ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और वो भी उनमें से कितने ऐसे होते हैं जो सिर्फ लड़कियों के चलते ही स्कूल जाते हैं और कितने लड़के तो स्कूल में ही लड़कियों को प्रपोज कर देते हैं। पर दोस्तों जापान के स्कूल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ स्कूल के दौरान कोई भी छात्र डेट पे नहीं जा सकता, साथ ही किसी क्लास में किसी लड़की से कोई रिश्ता भी नहीं रख सकता। दरअसल ये सब इसलिए किया जाता है जिससे कि बच्चे का ध्यान न भटके और उस पर कोई बुरा असर ना पड़े। अगर ऐसा करते हुए किसी को पकड़ा जाता है तो उसे काफ़ी भारी सजा सुनाई जाती है। लेट प्रेजेंटेशन। जापानी स्कूल में अगर किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करती है तो वो है टाइम पंक्चुअलिटी, मतलब टाइम से हर काम करना। आपने अपने स्कूल में नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा स्कूल टाइम में 10 या फिर 15 मिनट लेट आते हैं और लेट आने के बावजूद उन्हें स्कूल में एंट्री भी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर जापान के किसी स्कूल में स्टूडेंट्स लेट आते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा के लिए स्कूल से रेस्टिकेट भी किया जा सकता है। सेल्फ डिफेंस। दोस्तों सेल्फ डिफेंस पे आजकल हर कोई लेक्चर देता है कि सेल्फ डिफेंस करना जरूर से आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी देशों में इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। पर जापान में ऐसा नहीं है। बता दूं कि जापान में ये सब पहले से ही भारी संख्या में इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पर स्कूल में बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता था ताकि वो अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन खुद ही निकाल सके, फिर चाहे वो प्रॉब्लम मेंटली हो या फिर फिजिकली। यहाँ के टीचर्स बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने में लगे रहते हैं। ये सेल्फ डिफेंस बच्चों को एक खास तरह की तलवार से सिखाया जाता है। क्लीनिंग। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूँगी कि
क्या कभी आपने किसी भी इंडियन स्कूल में बच्चों को स्कूल की सफाई करते हुए देखा है? तो आप कहेंगे कि नहीं। लेकिन दोस्तों, जापान की स्कूल में ऐसा रोज होता है। अगर कोई बच्चा 5 दिन लगातार स्कूल देर से आता है तो उसे पूरी स्कूल की सफाई करनी पड़ती है। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स भी उस काम में बच्चों की मदद करते हैं ताकि पूरा स्कूल चमचमाता रहे और बच्चे साफ सफाई जैसी चीज़ों को सीख सके। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आप कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन से नियम को हमारे भारत देश के स्कूल में देखना चाहते हैं। वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए धन्यवाद।